झारखंड विकास मोर्चा के विधायक हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं और आज सदन में जिस तरह से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने मॉब लिंचिंग के मामले पर बयान दिया है उसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। बंधु तिर्की जी से बात करेंगे। और ये सर जिस तरह से बयान रहा खासकर कांग्रेस सदन के अंदर में, आप किस तरह से देखते हैं इरफान अंसारी के बयान? देखिए, इरफान अंसारी जी का बयान एक्चुअली जो घटना हुई थी जिस तरह से मॉब लिंचिंग में मारा गया, तो उनको अपना जिसको कहा जाए कि बिल्कुल मैंने भावनात्मक रूप से कुछ चीज़ों को बोल रहे थे। मामला तो सही था, ऐसा बात क्या है, लेकिन तब है कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है सदन में। तबरेज अंसारी का जो मामला है तो ऑलरेडी वो तो कोर्ट में ही है, जांच चल ही रही है, तब उन्होंने उठाया ठीक है, फिर भी उनके द्वारा कहा गया इस सब चीज़ों को सदन में। आप मानते हैं कि उन्होंने जो किया अमर्यादित था? नहीं, हम अमर्यादित शब्द नहीं बोलेंगे उसको। उन्होंने कुछ बात उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन चीज़ों को सुनने वाला का अलग और बोलने वाला का अलग अलग तरीका, सुना भी उसको दूसरा तरीका। इस मामले पे जिस तरह से विपक्ष वेल में आके हंगामा किया, इसको आप किस तरह से करेगा? उनके पास अभी खिसियाली बिल्ली खम्बा नोचे क्या है, उसके पास और कोई रास्ते ही नहीं है। अच्छा, ये तीन दिनों मतलब वो तो बोला, आपको मालूम है कि सीपी सिंह के द्वारा जो सब्जेक्ट जिस बात को कहा गया उसके जैसे वरिष्ठ सीनियर स्पीकर रह चुके हैं तो ये कहाँ से आपका शोभा देता है? वो कह रहा है इसका मतलब हम भी कह रहे हैं, शोभा तो नहीं ना। अच्छा, तीन दिनों का जो सदन की जो कार्रवाई रहे, खासकर अनुपूरक बजट की बात करें, राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें, इन तमाम चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अनुपूरक बजट जो आया है उस अनुपूरक बजट में अभी वाद विवाद होना बाकी है। बाकी जो लाया गया है बजट तो पूर्व की सरकार के जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं ली गई थी उसी को पूरा करने के लिए लिया गया है, तो इसमें कुछ विपक्ष को तो टिक्का टिप्पणी करने का कोई बात ही नहीं रह गया, क्योंकि उन्हीं का योजना को पूरा करने के लिए लिया गया है। और हमको लगता है कि ये सरकार पूरे पैसा को पाई पाई उसको खर्च करेगी, इसलिए बिल्कुल ये तो जो अनुपूरक बजट है अब है। बाकी कुछ चीज़ें हैं उसमें, उन चीज़ों को जब सदन में बात विवाद होगा तो उस समय बात को रखा जाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, आप कांग्रेस में जाने की जो सूचना लगातार आती है, आप दिल्ली भी गए थे, क्या ये पूरा मामला? ऐसा कोई बात नहीं है, ये बात आप लोगों को पता चला, लेकिन हम लोग से तो कोई ना बात किया है ना कुछ किया अभी तक, बात तो किया ही नहीं ना बात उसका हम किए हैं, तो ये बात कैसे आप लोगों को पता चल जाता है? संभावना है कि आप जा सकते हैं भविष्य में कांग्रेस में? नहीं, कोई अंदर कोई बात नहीं, कोई तटस्थ रहेंगे जब एकदम, हम पहले ही रहते ही थे, पहले थे अभी हुई है। तो बंधु तिर्की जी ने साफ शब्दों में कहा कि सदन के अंदर जिस तरह से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मॉब लिंचिंग को लेकर बयान दिया है तो थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए था। और वहीं जो खबरें आ रही थी कि बंधु तिर्की लगातार कांग्रेस के संपर्क में, उससे भी इन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है और इन्होंने कहा है कि हम झारखंड विकास मोर्चा के सच्चे सिपाही हैं और इसमें बने रहेंगे। कैमरा पर्सन शशिकांत हांडा के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।